वेलकम टू एड्यूज, मैं विशाल ज्योति आपके इस करियर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चैनल है एड्यूज, इसमें आपके लिए रोजगार के नए अवसर के बारे में फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट का रोजगार के कुछ नए अवसर और भी आए हैं। वो अवसर है बिहार से, जो बिहार के छात्रों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। एक्चुअली बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ये वैकेंसी लाया गया है। इसके सारे डिटेल्स को, इसमें विभिन्न प्रकार के पद पर अवसर आए हैं, इनके सारे डिटेल्स को हम लोग थोड़ा समझते हैं बोर्ड पे अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं। स्वास्थ्य समिति बिहार का ये वैकेंसी है। ये स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित होती है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्वास्थ्य समिति है वो बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित होती है। इसी समिति ने कुछ अपॉर्चुनिटीज लाए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। पद का नाम है पहला रीजनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर। फिर से बताऊं मैं, रीजनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर। तो इसके बारे में जो आपको अगर डिटेल देखना है कि इसकी योग्यता क्या है, ये आप साइट पे देख सकते हैं। और सेकंड है रीजनल प्रोग्राम मैनेजर। रीजनल प्रोग्राम मैनेजर, इसकी जो योग्यता रखी गई है वो पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, अच्छे से समझा दूं। पब्लिक हेल्थ अथवा कम्युनिटी हेल्थ अथवा सोशल वर्क अथवा रूरल डेवलपमेंट अथवा रूरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। अगर आपने पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ अथवा रूरल डेवलपमेंट अथवा रूरल मैनेजमेंट या मास्टर इन सोशल वर्क, इन सारे कोर्सेज में अगर आपने मास्टर डिग्री करी है, तो आप योग्य उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पोस्ट है, जो तीसरा पद है, वो रीजनल अकाउंट मैनेजर। रीजनल अकाउंट मैनेजर, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज बहुत कम आती है, लेकिन ये वैसे छात्र जो कॉमर्स के हैं और जिन्होंने मास्टर डिग्री करी है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। पद का नाम है रीजनल अकाउंट मैनेजर, जिसकी जो योग्यता रखी गई है एमकॉम अथवा एमबीए फाइनेंस अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा सीएमए प्लस टैली प्लस डीसीए। मतलब आपको ये डिग्री के साथ साथ आपको एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि टैली, ये सारे चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, टैली, इसकी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अवसर आपके लिए है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है डिविजनल एस ए एच। डिविजनल एस ए एच, ये जो पोस्ट है इसकी जो योग्यता रखी गई है न्यूनतम और मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो ये है रूरल डेवलपमेंट अथवा रूरल मैनेजमेंट अथवा सोशल वर्क में मास्टर डिग्री। मैं फिर से बता दूं, रूरल डेवलपमेंट अथवा रूरल मैनेजमेंट अथवा सोशल वर्क में मास्टर डिग्री। तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप एस ए एच का जो ये पोस्ट है ये भर सकते हैं। फिर से बताऊं, ये जो वैकेंसी है स्वास्थ्य समिति बिहार, बिहार सरकार के अंतर्गत आती है। ये कुछ रोजगार के अवसर हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप या आपके मित्र या आपके कोई फैमिली के मेंबर इस प्रकार की कोई योग्यता रखते हैं, तो उनको आप जल्द से जल्द सूचित करें। सूचित करने का सबसे आसान तरीका, आप उनको अपना ये आप इनको इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच, इसको जल्दी से जल्दी इसको फैलाएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। और रोजगार के और भी नए नए जो भी अवसर आएंगे वो हमारे इस चैनल पे लगातार आते जाएंगे। इसलिए अगर आपको रोजगार से संबंधित, करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का जो ये वैकेंसी आया है, इससे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, फॉर्म भरने से संबंधित प्रक्रिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, आवेदन प्रक्रिया, जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है आपको। ये जो एप्लीकेशन आपको फॉर्म डालना है वो ऑनलाइन डालना है। चलिए कैसे डालेंगे, HTTP और ये आपको लिखना है, उसके बाद है आपका स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org, इस साइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म भरने का जो इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है, वो लास्ट डेट काफ़ी करीब है, जो 31 जनवरी 2019 है।
फिर से देख लीजिए, जो लास्ट डेट है आपका 31 जनवरी 2019। तो आप जल्दी से जल्दी साइट पे जा करके आप इस फॉर्म के भरने के प्रोसेस को फिनिश कीजिए। आप अंतिम दिन का इंतजार मत कीजिए, आज इन द सेंस बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।